लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने नशा तस्करी के एक मामले में राजस्थान से संबंधित व्यक्ति को काबू करके उसके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की है। जो व्यक्ति राजस्थान से लुधियाना शहर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में अफीम की सप्लाई देने आया था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि राजस्थान से अफीम आई है लुधियाने सेल के लिए, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन के आधार पर विवेक को, जो राजस्थान का रहने वाला है, इसको काबू किया। काबू करने के बाद मेरे को बुलाया गया। जब हमने इनकी सर्च की तो 2 किलो 600 ग्राम अफीम इससे बरामद हुई है। एसीपी सेंट्रल वरियाम सिंह ने पत्रकार वार्ता दौरान बताया कि आरोपी राजस्थान के जिला सीकर का रहने वाला है। आरोपी खुद भी अफीम का सेवन करने का आदी है और ज्यादा पैसे कमाने की लालच में अफीम की तस्करी करने लगा। आरोपी को शक के आधार पर पुलिस ने चीमा चौक के पास से काबू किया, जिससे 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की गई। उसे अदालत में पेश करके 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। इसको गिरफ्तार किया है, ये ऑलरेडी इनके खिलाफ अफीम के अलावा 376 का में भी ये जेल की यात्रा कर चुका। बिल्कुल सभी के नाम सामने आए हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होती है, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊँ। भरत शर्मा की रिपोर्ट, द समर न्यूज़।